बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कॉनिक सेक्शंस। और कॉनिक सेक्शंस में हम लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 6.9 स्टार्ट करने लगे हैं। और 6.9 का जो पहला क्वेश्चन है वो है बाय रोटेशन, उसकी स्टेटमेंट ये है बाय रोटेशन ऑफ एक्सिस एलिमिनेट द एक्स वाई टर्म, एलिमिनेट द एक्स वाई टर्म। एक्स वाई टर्म को हमने एलिमिनेट करना है एक्सिस को रोटेट करके, ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, इसके अलावा हमने ये भी करना है कि आइडेंटिफाई द कॉनिक को भी हमने उसकी इक्वेशन से आइडेंटिफाई करना है जो गिवन हमें इक्वेशन है, एंड फाइंड इट्स एलिमेंट्स। और उसके हमने एलिमेंट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके पार्ट्स हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 के जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो 8 पार्ट्स हैं, ठीक है, बल्कि 9 पार्ट्स हैं। तो उन 9 में से हम ट्राई करते हैं पार्ट्स को सॉल्व करने के। पहले पार्ट को मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूँ, ठीक है। पहले पार्ट में जो हमें इक्वेशन गिवन है वो है 4x² -4xy +y² -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन हमें गिवन है यहाँ पर, और हमने जो है सबसे पहले तो ये करना है कि एक्सिस को किस तरह से किस एंगल पे रोटेट किया जाए। तो हमारे पास ये बनता है मतलब एलिमिनेट हो जाती है टर्म एक्स वाई टर्म इसमें से, ठीक है, और बल्कि ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में से। ये तो यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन नहीं है, पहले तो इसको हम ट्रांसफॉर्म्ड बनाएं और किस एंगल पे जाकर वो हम इसको रोटेट करें एक्सिस को, कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में एक्स वाई टर्म आएगी वो एलिमिनेट हो जाए। उसके अलावा हमने कोनिक को भी आइडेंटिफाई करना है और उसके एलिमेंट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो एलिमेंट्स तो बहुत आसान है, देखें। अब अगर ये हमें इक्वेशन गिवन है, हमें जनरल इक्वेशन पता है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, कॉनिक्स की सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन मैं यहाँ पर लिखूँगा, वो होती है ax² +2hxy +by² ये बी स्क्र वाई लग रहा है, यहाँ पर बी वाई स्क्र है, ठीक है, बी वाई स्क्र +2gx +2fy +c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है और इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू, आप देखें x² वाली टर्म्स आकर आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये इसमें से a² इज इक्वल टू 4 आ जाता है, a² इज इक्वल टू 4 आ जाता है। इसी तरह से xy वाली टर्म्स आपस में कंपेयर की जाएँ तो इसमें से हम कह सकते हैं कि जो 2h है, 2h वो -4 के इक्वल है, ठीक है, 2h इज इक्वल टू -4 के इक्वल है। उसके अलावा y वाली टर्म्स, y स्क्वायर वाली टर्म्स अगर हम कंपेयर करें तो b इज इक्वल टू 1 आ रहा है, b इज इक्वल टू 1 है, तो ये a² भी नहीं है, ये ax² था, ठीक है, तो b इज इक्वल टू 1 है। तो बाकी तो c है, c इज इक्वल टू हमारे पास जो है -6 है, ये भी हम लिख लेते हैं, c इज इक्वल टू -6। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं a की, b की, h की और माइनस जो है c की आ चुकी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, चले हम इसको जो है लिख भी लेते हैं, a जो है वो 4 है और यहाँ से h की वैल्यू भी हम कह सकते हैं कि -2 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, और b इज इक्वल टू 1 एज इट इज़, c इज इक्वल टू -6 और a इज इक्वल टू 4। ये सब की सब वैल्यूज़ अब हम यूज़ करेंगे, ठीक है, यूज़ कहाँ पे करेंगे, उससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि हमने जो है एंगल को रोटेट करना है, यानी कि एक एक्सिस को रोटेट करना है किसी एक एंगल पे।
ऐसे रोटेट करना है कि एक्स वाई टर्म एलिमिनेट हो जाए। तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं इफ़ एंगल थीटा, यानी कि एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो थीटा हो, तो क्या होगा, एंगल ऑफ रोटेशन इज थीटा। और ये एंगल रोटेट हमने क्यों करना है एक्सिस को, इस थीटा पे, टू रिमूव एक्स वाई टर्म, ठीक है, टू रिमूव एक्स वाई टर्म। तो फिर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, टेंजेंट ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू टू एच ओवर ए माइनस बी, ये हमारे पास जो है कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा, जब ये हमारे पास कंडीशन है, इसमें से हमारे पास एच की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, इसलिए मैंने ये फाइंड आउट कर ली थी ए, एच, बी और सी की वैल्यूज, ठीक है। तो इसमें हम पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू टू इंटू एच की वैल्यू है माइनस टू, और ए बी की वैल्यूज भी पुट कर देते हैं फोर माइनस वन, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस फोर ओवर थ्री ये इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू माइनस फोर ओवर थ्री। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या, देखें ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में से हमने एक्स वाई टर्म जो है वो ख़त्म करनी है, ठीक है। तो एंगल हमने ले लिया थीटा, अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर थीटा जो है वो एंगल ऑफ रोटेशन है, ठीक है, एक्सिस का, तो फिर हमारे पास एक्स वाई टर्म तब ही रिमूव होगी जब टेन टू थीटा इज इक्वल टू टू एच ओवर ए माइनस बी होगा। अच्छा, अब ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया टेन टू थीटा की वैल्यूज़, इससे हमने और क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जो आपने पढ़ी हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन रोटेशन के हिसाब से जो है उसमें कॉस थीटा आता है और साइन थीटा आता है, ठीक है, वो हमें वैल्यूज़ चाहिए होगी। तो यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे और टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर, टेंजेंट थीटा नहीं कह रहा बल्कि साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है, कॉस और साइन की वैल्यूज हमें चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि टेन टू थीटा की मैं पहले जो है फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ, टू टेंजेंट थीटा ओवर वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा, ठीक है, टेन टू थीटा इसके इक्वल होता है, तो ये ऑलरेडी इक्वल किसके है, माइनस फोर ओवर थ्री के, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को जो है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये थ्री इस साइड पे अगर आ जाए, ठीक है, बल्कि उससे पहले टू जो है इससे कैंसिल आउट होगा टू से, और फिर थ्री इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो थ्री टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस टू इंटू वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है, बाकी हम इसको जो है ब्रैकेट को भी ओपन कर सकते हैं, थ्री टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस टू प्लस टू टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। अब हम जो है इसको, मतलब मैं सारी टर्म्स लेफ्ट साइड पर ले आता हूँ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी टू टेंजेंट स्क्वेयर थीटा प्लस थ्री टेंजेंट थीटा माइनस टू इज इक्वल टू, बल्कि ये माइनस रहेगा क्योंकि हमने इसको शिफ्ट किया है इस टर्म को सिर्फ, तो माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास जो है एक इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, और किसके लिए सॉल्व करेंगे, इसमें टेंजेंट थीटा के लिए सॉल्व करेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी, ठीक है, बी इस केस में थ्री है, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस मतलब के माइनस थ्री का स्क्वायर जो कि नाइन आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए इस केस में जो है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ए इस केस में ये है और सी इस केस में माइनस सी है और बी इस केस में माइनस थ्री है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए सी, ए क्या हो जाएगा टू और सी माइनस टू, तो आप इसको अगर सॉल्व कर लें, फोर टू ज़ा एट एंड एट टू ज़ा सिक्सटीन, और ये पॉजिटिव सिक्सटीन होगा, तो यहीं पे मैं इसको पॉजिटिव सिक्सटीन लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मजीद हम बल्कि डिवाइड बाई टू ए, ए आपके पास टू है तो ये फोर हो जाएगा। तो टेंजेंट थीटा के लिए इसको हम अगर सॉल्व कर लें तो हमारे पास जो रिजल्ट में वैल्यूज आती हैं थ्री प्लस माइनस, ये सिक्सटीन प्लस नाइन जो है वो ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई फोर, और इसको मजीद हम सॉल्व कर लेते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा
इज इक्वल टू 3 ± 5 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो अब एक दफ़ा पॉजिटिव है, एक दफ़ा नेगेटिव है, हम पॉजिटिव वैल्यू टर्म ले लेते हैं क्योंकि नेगेटिव वाली हम यूज़ नहीं करेंगे। 3 - 5 जो है माइनस नेगेटिव आ जाती है। तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3 + 5 डिवाइडेड बाई 4, और 3 + 5 8 होता है, 8 / 4 इज 2, मतलब कि टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 आ चुका है। अब ये तो हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू आई है, हमें साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं आइडेंटिटी यूज़ करूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम। आइडेंटिटी होगी सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी, और सीकेंट से कॉस फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो 1 + जो है टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा 4 के, क्योंकि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 4 आ चुका है, तो ये 1 + 4 जो है वो 5 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 आ चुका है। और अगर हम यहाँ से कहें कि सीकेंट थीटा किसके इक्वल है, दोनों साइड्स पे हमें जो है स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 बन जाएगा सीकेंट थीटा। और सीकेंट थीटा से हम जो है कॉस फाइंड आउट करना चाहें, तो 1 / कॉस थीटा जो होता है वो इक्वल टू सीकेंट थीटा होता है। ठीक है, मतलब कि कॉस थीटा ए और सीकेंट थीटा आपस में इन्वर्स हैं एक दूसरे के, तो 1 / सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर सीकेंट थीटा की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, 1 / स्क्वायर रूट ऑफ 5 बन जाती है, जो कि कॉस ऑफ थीटा हमारे पास आ जाता है इस तरह से। ठीक है, तो अब दोबारा हम इस इक्वेशन पर अगर आए, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में अगर मैं लिखूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 2 हो जाता है, और हमें चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें पता है कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है, और हम इसमें जो है पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। साइन थीटा इज इक्वल टू 2 * 1 / स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो साइन थीटा इक्वल आ जाता है 2 / स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। अब यहाँ पर साइन थीटा भी हमारे पास आ चुका है, कॉस थीटा भी हमारे पास आ चुका है, तो अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें हम यहाँ पर लिखते हैं कि हम जो है पुट करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग कॉस थीटा की जो वैल्यू आई है 1 / स्क्वायर रूट ऑफ 5, एंड साइन थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 2 / स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, इन इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इन इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो है x इज इक्वल टू कैपिटल x cos थीटा माइनस कैपिटल y sin थीटा। इसमें हमने एक तो पुट करनी है, और दूसरी जो इक्वेशन होती है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की, y इज इक्वल टू x sin थीटा प्लस y cos थीटा। ठीक है, इन दोनों में हमने जो है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज पुट करनी है, इसीलिए हमने जो है कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। तो चलें यहाँ पर हम पुट करते हैं, ये बन जाएगी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, कॉस और कॉस थीटा जो है 1 / स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल है, तो ये हम पुट कर देते हैं, माइनस वाई इंटू साइन थीटा जो है वो 2 / स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, 2 / स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें एलसीएम लेकर, तो ये बन जाता है x माइनस 2y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर a में कह देता हूँ, और इसी तरह से y इज इक्वल टू क्या है, x साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा मतलब क्या, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस y इंटू कॉस थीटा है, कॉस थीटा आपको पता है उसकी वैल्यू क्या है, 1 / स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, तो ये 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 बन जाता है। ठीक है, तो इसको बी इक्वेशन कहते हैं। अब ये दोनों वैल्यूज हम यूज़ करेंगे,
ठीक है, एक्स की और वाई की। चले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक्स इक्वल आ चुका है एक्स माइनस टू वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ फाइव, और वाई इक्वल आ चुका है टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ फाइव। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर टू कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर थ्री कह देते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को अब हम यूज़ करेंगे अपनी गिवन इक्वेशन में, जो हमें कॉनिक की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स। ये हमें एक गिवन इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं। ठीक है, तो अब हम ये वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन। तो चलें पुट कर लेते हैं, फोर इंटू फोर एक्स वगैरह ना, तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है x माइनस टू वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ फाइव का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से देखें कि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर वन फोर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई, एक्स की वैल्यू है x माइनस टू वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ फाइव इंटू 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, ये माइनस फोर एक्स वाई हो गया, उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन आ जाती है आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमने जो है सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके लिखना है, तो सिंप्लीफाई करके जब आप इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6/5। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। तो अब इसमें से दो इक्वेशंस हैं, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू है एक नेगेटिव वैल्यू है, अलग मैं लिख लेता हूँ कि एक है स्क्वायर रूट ऑफ 6/5 पॉजिटिव और दूसरा है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6/5। ठीक है, तो ये दो यानी कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन में वैल्यूज आ जाती हैं या इक्वेशंस आ जाती हैं, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आप इसे कह सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, कि ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है जिसमें एक्स वाई टर्म नहीं आपको नजर आ रही। ठीक है, उसके अलावा हमने जो है अगर ओरिजिनल एक्स वाई प्लेन में यानी कि फाइंड आउट करनी है वैल्यूज। ठीक है, टू फाइंड इक्वेशन इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ये इक्वेशन किस में है, कैपिटल एक्स वाई यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड या रोटेटेड एक्स वाई प्लेन में ये वैल्यूज हैं या इक्वेशन हैं। ठीक है, तो ये अगर हम ओरिजिनल एक्स वाई प्लेन में भी इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए इक्वेशंस बिल्कुल उसी तरह से हम लिख सकते हैं, मतलब कि जो हमारे पास इक्वेशन है ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है उसको यूज़ करके, ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, ठीक है, इन दोनों को यूज़ करें और इसके एक्स के लिए इसको मैं अगर सॉल्व कर लूँ तो मतलब ये बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 5x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y। इसी तरह से जो है स्क्वायर रूट ऑफ 5y इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये मैंने कौन सी इक्वेशंस यूज़ की हैं, ये मैंने इक्वेशन नंबर, चलो यहाँ पर हम मेंशन भी कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी को मैंने यूज़ किया है, या फिर इक्वेशन नंबर वन एंड टू को, टू और थ्री को यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ से आप जो है x माइनस टू वाई के लिए इसको सॉल्व करें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5x इज इक्वल टू x माइनस 2y आ जाता है। मैंने वही इक्वेशन यहाँ पर लिखी है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हैं दोनों वैल्यूज, बल्कि दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, आपस में सॉल्व करें x और y के लिए, तो ये क्या हमें रिजल्ट देती हैं वो भी हम देख लेते हैं। वो रिजल्ट में हमें मिलेगा दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से 2x माइनस वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू 0, और 2x
माइनस वाई माइनस रूट ऑफ सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमारे पास आती हैं और ये दोनों इक्वेशन से हमें पता चल जाता है कि ये लाइन की इक्वेशन है, इसके ऊपर कोई स्क्वेयर वगैरह नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये लाइन्स की इक्वेशन है और हम कह सकते हैं कि दस द पेयर ऑफ लाइन्स आर ये दोनों हैं। ठीक है, इसको दोबारा मैं लिख देता हूँ, टू एक्स माइनस वाई प्लस माइनस रूट ऑफ सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास पेयर ऑफ लाइन्स की इक्वेशन आ जाती है। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई भी कर दिया, ठीक है, कि ये पेयर ऑफ लाइन्स हैं। उसके अलावा हमने ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन भी वो फाइंड आउट की है जिसमें जो है एक्स वाई टर्म जो है वो ज़ीरो हो चुकी है, यानी कि एक्स वाई टर्म वहाँ से एलिमिनेट हमने कर दी है। और उसके अलावा हमने जो है उसकी एक्स वाई प्लेन में भी जो इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में है और विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ये इक्वेशन आती है जो कि पेयर ऑफ लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं, बाकी सब पार्ट्स बिल्कुल सेम इस तरह से हैं, आप खुद से सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे।